गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, इन टुडे क्लास वी आर डिस्कस अबाउट एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, मीन्स व्हाट इज यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और व्हाट इज यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इन रियल लाइफ। ड्यूरिंग दिस फर्स्ट वी लर्न अबाउट ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। लेट इन ट्रायंगल एबीसी, एंगल बी इज 90 डिग्री फॉर एंगल ए। एंगल ए, सिंस इन ट्रिग्नोमेट्री देर आर 6 आइडेंटिटी नोन एज साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक एंड कोसेक। द रेसिप्रोकल ऑफ साइन इज कॉस एंड सॉरी कोसेक एंड कॉस इज सेक एंड टैन इज कॉट। मीन्स साइन, इफ एंगल ए अप्लाई ऑन दिस, साइन इक्वल टू 1/cosec ए एंड कॉस ए इक्वल टू 1/sec ए एंड टेन ए इक्वल टू 1/cot ए। मीन्स रेसिप्रोकल ऑफ साइन इज कोसेक, कॉस इज सेक एंड टेन इज कॉट। लेट अस अज्यूम दैट वी हैव ट्रायंगल एबीसी लाइक दिस, ए बी सी इन एंगल ए सॉरी एंगल बी इज राइट एंगल एंड फॉर एंगल ए सिंस वी आर फाइंड आउट द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो फॉर एंगल ए सिंस द फ्रंट साइड ऑफ एंगल आर नोन एज परपेंडिकुलर पी एंड एंगल एट विच साइड फॉर्म इज नोन एज बेस एंड एंगल फ्रंट ऑफ 90 डिग्री साइड्स इन्होन एज हाइपोटेनिस। ऑन द बेसिस ऑफ दिस, दिस इज बी ए बी एंड सी। क्लियर, दिस इज बेस सॉरी दिस इज बेस एंड दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज हाइपोटेनिस। साइन ए इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मीन्स दिस परपेंडिकुलर इसमें क्या है बी सी अपॉन हाइपोटेनियस ए सी, देन साइन इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी। देयरफॉर कॉस ए क्या हो जाएगा, कॉस ए इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस मीन्स ए बी अपॉन ए सी एंड सिमिलरली टेन ये क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस बी ए सी, परपेंडिकुलर मीन्स बी सी अपॉन बेस मीन्स ए बी। ऑन द बेसिस ऑफ दिस, इफ साइन इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपरटेनियस इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या था आपके लिए बी सी अपॉन हाइपोटेनियस ए सी, विच इम्प्लाइज द कोसेक के लिए क्या हो जाएगा ए सी अपॉन बी सी, बिकॉज कोसेक इज द रेसिप्रोकल ऑफ साइन। सो कोसेक इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी मीन्स हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। सिमिलरली सेक इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन बेस अपोजिट ऑफ दिस, सो हाइपोटेनियस ए सी एंड बेस ए बी एंड कॉट इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ टेन मीन्स बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सो कॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा बेस मीन्स ए बी अपॉन परपेंडिकुलर मीन्स बी सी। क्लियर, ऑन द दिस प्रोसेस वी कैन फाइंड आउट द ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी। नाउ रेसिप्रोकल उन्हें बताया रेसिप्रोकल ऑफ साइन इज कोसेक, सो साइन थीटा इक्वल टू 1/cosec थीटा एंड आल्सो कोसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा। रेसिप्रोकल ऑफ कॉस इज सेक, सो कॉस थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा आल्सो सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। रेसिप्रोकल ऑफ टेन इज कॉट, सो टेन थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा
एंड cot theta इक्वल टू 1 बाई tan theta. थर्ड cosecant रिलेशन, इन इफ यू डिवाइड sin theta अपन cos theta वी हैव फाइंड आउट tan theta बाई हाउ लेट लेट अस अज्यूम दैट दिस ट्रायंगल ए बी सी दिस इज 90 एंड दिस इज थीटा. क्लियर. देन साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपरटेनस मीन्स बी सी अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपरटेनस ए सी. साइन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, इस ट्रायंगल से बी सी अपॉन ए सी. एंड कॉस थीटा इक्वल टू पर ट्रायंगल दिस ए बी सी, कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपरटेनियस मीन्स ए बी अपॉन ए सी. सो इफ डिवाइडेड साइन थीटा अपॉन cos theta equal to sin theta means perpendicular upon hypotenuse means BC upon AC, and cos theta equal to AB upon AC, but it is 1 by cos theta, so AC upon AB. AC. So ACAC is cancelled out. So we have BC upon AB. BC upon AB. The value of sin theta upon cos theta is BC upon AB. It is remember. And also for tan theta, CABC, tan theta equal to perpendicular upon base means BC upon AB. It is the value of sin theta upon cos theta. Means value of sin theta upon cos theta is equal to BC upon AB. So value of sin theta upon cos theta equal to BC upon AC, and value of tan theta equal to BC upon AB on the basis of this triangle. So on the basis of this we can say that tan theta equal to sin theta upon cos theta, and cot theta equal to a reciprocal of this means cos theta upon sin theta. Next, identities of trigonometry sin square theta plus cos square theta equal to 1, which implies that sin square theta also, if cos square theta comes in right side, so it is negative, so 1 minus cos square theta means sin square theta equal to 1 minus cos square theta. Also cos square theta equal to 1 minus sin square theta. Clear. Next, we know sin square theta equal to 1 minus cos square theta. It is also written as sin theta equal to, if square is eliminated, so it is in root 1 minus cos square theta. So sin theta equal to 1 minus cos theta. By similar process we have find cos theta equal to 1 minus root means sin square theta. And also if divided this by sin square theta, then 1 plus cos square theta upon sin square theta, cot square theta equal to 1 upon sin square theta means cos square theta, which implies that 1 plus cot square theta equal to cos square theta. Also cot square theta equal to cos square theta minus 1 right side mein aayega to 1, so cot square theta equal to cos square theta minus 1. इस आइडेंटिटी को सब हम याद रिमेंबर करेंगे.
एंड ऑल्सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस कॉट स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन बिकॉज कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस ऑन द बेसिस ऑफ दिस इफ कोसेक इफ कॉट कम्स इन टू राइट साइड एंड वन कम्स इन टू लेफ्ट साइड सो इट इज कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन मीन्स इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा आफ्टर इलिमिनेटिंग स्क्वायर वी गेट कॉट थीटा इक्वल टू रूट में कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन ऑन द बेसिस ऑफ दिस आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी कैन ऑल्सो राइट दिस कोसेक थीटा इक्वल टू रूट में वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा एंड ऑल्सो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा बाई हाउ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन आफ्टर डिवाइडिंग बोथ साइड कॉस स्क्वायर थीटा सो साइन स्क्वायर थीटा अपन कॉस स्क्वायर थीटा एंड दिस कॉस स्क्वायर थीटा दिस कॉस स्क्वायर थीटा दिस इज एलिमेंट्री सो टेन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा अपन कॉस स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन इक्वल टू वन बाई कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी कैन राइट वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा आफ्टर सिंप्लीफिकेशन टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन एंड सेक स्क्वायर इट इज ऑल्सो रिटन एट सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन बिकॉज वेन टेन स्क्वायर थीटा कम्स इन राइट साइड एंड वन कम्स इन लेफ्ट साइड सो साइन स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन ऑल्सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस इफ स्क्वायर इलिमिनेट देन इट इज इन रूट देन टेन थीटा इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन ऑल्सो इफ बाय सिमिलर प्रोसेस इन सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन वी इलिमिनेट स्क्वायर सो सेक थीटा इक्वल टू रूट में वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा एंड ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आर सम स्पेसिफिक एंगल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फॉर एंगल इसको हम रिमेंबर करेंगे कि एंगल ए फॉर एंगल ए साइन ए कॉस ए टेन ए कोसेक ए सेक ए कॉट ए इसको रिमेंबर फॉर साइन ए साइन जीरो की वैल्यू जीरो साइन थर्टी की वैल्यू वन बाई टू साइन फोर्टी की वैल्यू वन बाई अंडर टू सॉरी फोर्टी फाइव डिग्री की वैल्यू वन बाई रूट टू एंड साइन सिक्सटी डिग्री की वैल्यू रूट थ्री बाई टू एंड साइन नाइन्टी डिग्री की वैल्यू वन फॉर कॉस ए कॉस जीरो की वैल्यू वन कॉस थर्टी की वैल्यू रूट थ्री बाई टू एंड कॉस फोर्टी फाइव की वैल्यू वन बाई रूट टू एंड कॉस थर्टी की वैल्यू वन बाई टू एंड कॉस जीरो की वैल्यू जीरो टेन ए की वैल्यू जीरो सॉरी टेन जीरो की वैल्यू जीरो टेन थर्टी की वैल्यू वन बाई रूट थ्री टेन फोर्टी फाइव की वैल्यू वन टेन सिक्सटी की वैल्यू अंडर रूट थ्री एंड टेन नाइन्टी डिग्री की वैल्यू not defined since the reciprocal of sine is cosec so value of 0 degree sine is 0 and the value of for 0 degree of cosec a 1 by 0 means not defined clear sine ki value 30 degree pe 1 by 2 and कोसेक पर क्या होगा थर्टी पर रेसिप्रोकल ऑफ वन बाई टू वन सॉरी टू एंड द वैल्यू ऑफ साइन ए एट फोर्टी फाइव डिग्री वन बाई रूट टू एंड रेसिप्रोकल ऑफ वन बाई रूट टू इज रूट टू एंड वैल्यू ऑफ साइन ए एट सिक्सटी डिग्री रूट थ्री बाई टू सो रेसिप्रोकल ऑफ रूट थ्री बाई टू इज टू बाई रूट थ्री सो वैल्यू ऑफ कोसेक ए एट सिक्सटी डिग्री रेसिप्रोकल ऑफ साइन ए एट सिक्सटी डिग्री सो एंड साइन नाइन्टी डिग्री की वैल्यू वन सो रेसिप्रोकल ऑफ वन इज वन बाई वन मीन्स वन बाय सिमिलर प्रोसेस वी कैन फाइंड आउट द कॉस द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस इज सिक्स सो वन रेसिप्रोकल ऑफ वन रूट थ्री बाई रेसिप्रोकल ऑफ रूट बाई थ्री टू बाई रूट थ्री एंड वन बाई रूट टू रूट टू वन बाई टू टू जीरो नॉट डिफाइंड By similar process, we can say that the reciprocal of tan A is cot A. So, value of
tan 0 is 0, so value of cot 0 is not defined. And for 30 degree, value of tan is under root 3, so cot 60 value root 3, because reciprocal of this. Tan A 1, so cot A 1 at 45 degree, and at 60 degree tan A is equal to root 3, so cot 60 degree value reciprocal of root 3, 1 by root 3. And at 90 degree the value of tan A is not defined, so reciprocal of 1 by infinity or cot 90 degree value 0. क्लियर, तो इसको रिमेंबर आप लोग करेंगे. नेक्स्ट है और सिक्स पार्ट, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फॉर कम्प्लीमेंट्री एंगल. कम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ क्वाड्रेंट, दिस इज साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, मीन्स साइन चेंज इन कॉस, कॉस चेंज इन साइन, टेन चेंज इन कॉट, कॉट चेंज इन टेन, सेक चेंज इन कोसेक, कोसेक चेंज इन सिन साइन फॉर 90 माइनस थीटा. 90 माइनस थीटा के कम्प्लीमेंट्री रेशियो में फॉर 90 माइनस थीटा साइन के साथ लगाएंगे तो क्या हमें फाइंड होगा, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस के साथ तो साइन थीटा, मीन्स कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा. ऑल द रेशियो आर इन पॉजिटिव साइन, सो साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा एंड कॉस, सॉरी साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा एंड कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, एंड टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा एंड कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा, एंड सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा एंड कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा. सो दिस टॉपिक वी फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, लाइन ऑफ साइट, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन. सो व्हाट इज द लाइन ऑफ साइट, द लाइन ऑफ साइट इज द लाइन ड्रा फ्रॉम द आईज ऑन एन ऑब्जर्वर टू पॉइंट इन द ऑब्जेक्ट व्यू बाय द ऑब्जर्वर. देखिए कोई ये थिंग्स है, ये ऑब्जर्वर यहाँ पे इसका आई, यहाँ से ऑब्जर्वर देखता है, ठीक है. तो जो ये लाइन ऑब्जर्वर जिस लाइन के थ्रू इसके बीच में जो लाइन ड्राफ करे, यही क्या हो गया, लाइन ऑफ साइट. क्लियर. नेक्स्ट एंगल ऑफ एलिवेशन, इसका मीनिंग क्या होती है, द एंगल ऑफ एलिवेशन इज द एंगल फ्रॉम द लाइन ऑफ साइट विद द हॉरिजेंटल व्हेन इट इज अबव द हॉरिजेंटल, दैट इज द केस व्हेन वी राइज आउट हेड टू लुक एट द ऑब्जेक्ट, मीन्स इफ ऑब्जेक्ट इज एट दिस पोजिशन एंड ऑब्जर्वर इज दिस पोजिशन, देन आफ्टर ही रेज द हेड फॉर सी द ऑब्जेक्ट, देन एंगल फॉर बिटवीन दिस नोन एज एंगल ऑफ एलिवेशन. इफ ऑब्जर्वर रेज आवर हेड टू लुक द ऑब्जेक्ट, ऑब्जर्वर जो अपने हेड को ऊपर करता है, ऑब्जेक्ट अगर सेचुरेटेड है कहाँ पे, उसके अपर पार्ट पे. क्लियर. एंड एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसका अपोजिट, इफ ऑब्जर्वर जो है नीचे है और यहाँ से क्या कर रहा है, सॉरी ऑब्जेक्ट नीचे है, ऑब्जर्वर ऊपर से इसको वाच कर रहा है, लुक कर रहा है, तो एंगल जो बन रहा है इसको वाच करने पे, जो लुक करने पे, वही क्या होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन. मीन्स इफ ऑब्जर्वर रेज आवर हेड टू लुक द ऑब्जेक्ट, देन इन दिस कंडीशन वी फाइंड एंगल ऑफ एलिवेशन. एंड व्हेन ऑब्जर्वर आउट हेड टू लुक एट द ऑब्जेक्ट, सो इन दिस कंडीशन द एंगल ऑफ डिप्रेशन इज फॉर्म. कंक्लूजन ऑफ दिस स्टेटमेंट, व्हेन ऑब्जर्वर सैचुरेटेड इन लोअर साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, इन दिस कंडीशन एंगल ऑफ एलिवेशन इज फॉर्म.
एंड व्हेन ऑब्जर्वर सैचुरेटेड ऑन अपर साइड ऑफ ऑब्जेक्ट देन इन दिस कंडीशन एंगल ऑफ डिप्रेशन इज क्लियर. एंड वी आर ट्राई टू सम क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज. ए सर्किल आर्टिस्ट इज क्लाइम सॉरी ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइम 20 मीटर लॉन्ग रोप विच द टाइट स्ट्रेच्ड एंड टायर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ वर्टिकल पोल टू ग्राउंड. फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री. करा एक एक सर्कल आर्टिस्ट है जो 20 मीटर लॉन्ग रोप विच टाइट स्टेट फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल. ए पोल है मान लीजिए हमने 90 डिग्री पे पोल को खड़ा किया. बी मान लीजिए ए बी है. ए पोल है आपका ए बी क्लियर. ए क्या है रोप है इसको टाइट 20 मीटर लॉन्ग है. कितने डिग्री पे टाइट किया है 30 डिग्री पे क्लियर. करा फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द पोल या और हाइट ऑफ द पोल मीन्स साइड ए बी. साइड ए बी वी कैन फाइंड आउट आल्सो बाई यूजिंग वी हैव साइड हाइपरटेनियस आर गिवेन सो साइन वी यूज साइन बिकॉज वी हैव रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर. सो इन साइन थीटा परपेंडिकुलर अपन हाइपरटेनियस सो यूज परपेंडिकुलर मीन्स ए बी अपन हाइपरटेनियस मीन्स ए सी. सो ए बी अपन ए सी इजक्वल टू साइन थीटा. थीटा के प्लेस पे 30 डिग्री साइन 30 डिग्री. सो ए बी ए सी के प्लेस पे 20 तो 20 अपन साइन 30 की वैल्यू 1/2. सो ए बी अपन 20 इक्वल टू 1/2 मीन्स ए बी मीन्स इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 20/2 मीन्स ए बी की वैल्यू क्या आ गई आपके 10 मीटर मीन्स ए बी की वैल्यू मीन्स पोल हाइट पोल की कितनी आ गई 10 मीटर क्लियर. करा है ए ट्री ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट बेंड टू सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 With it, the distance between the foot of the tree to the point where the top touch the ground is 8 meter. Find the height of the tree. करा एक ट्री है जो क्या स्टॉर्म की वजह से ब्रेक हो गया और जमीन पे गिरा जो एंगल फॉर्म कर रहा है 30 डिग्री. करा द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टच. डिस्टेंस क्या है बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री एंड पॉइंट वेयर द टॉप टच द ग्राउंड इज 8 मीटर वी हैव गिवन. फाइंड द हाइट ऑफ ट्री. द सोल्यूशन ऑफ दिस लेट अस अज्यूम दैट ए बी ए सी इज द ट्री विच बेंट इन टू एट बी सी विच टच द ग्राउंड एट ए विच मेड 30 डिग्री एंगल. सो वी फाइंड आउट ए सी which is A dash. So is let us let AC be the original tree due to storm we it broken into two part then broken part is A dash B it makes 30 degree with ground means this is broken tree it make 30 degree with ground theek. So BC upon BC means perpendicular upon AC means सॉरी ए सी. सो परपेंडिकुलर अपॉन बेस मीन्स हाई 10 थीटा. सो बी सी अपॉन ए डैश सी इक्वल टू 10 थीटा. थीटा के प्लेस पे 30 डिग्री. सो बी सी अपॉन ए सी की वैल्यू दिया हुआ 8 इक्वल टू 10 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3. ऑन सिंप्लीफिकेशन वी गेट बी सी इक्वल टू 8/√3 बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन is a bc equal to 8/√3 meter and a also in for triangle abc
ए डैश बी सी, ए डैश अपान बी सी इक्वल टू ए अपान ए डैश बी इक्वल टू कॉस थीटा, ए डैश सी इक्वल टू एट एंड ए डैश बी इक्वल टू नॉट, वी हैव नॉट गिवेन विच इम्प्लाइज दैट एट अपान ए डैश बी इक्वल टू रूट थ्री बाई टू. ऑन द बेसिस ऑफ दिस आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ए डैश बी इक्वल टू 16 अपान आफ्टर क्लास मल्टीप्लीकेशन 16 अपान रूट थ्री. हेंस हाइट ऑफ ट्री, सिंस हाइट ऑफ ट्री मीन्स सम ऑफ दिस साइड ए सी अपान दिस एंड दिस, सो हाइट ऑफ दिस इज ए बी प्लस बी सी. ए बी की वैल्यू 16 अपान रूट थ्री एंड वी हैव ऑल्सो फाइंड आउट वैल्यू ऑफ बी सी इजक्वल टू 8 बाई रूट थ्री. ऑन द बेसिस ऑफ दिस रूट थ्री इज एलसीएम, सो 8 प्लस 16 इजक्वल टू 24 अपान रूट थ्री. आफ्टर दिस 24 अपान रूट थ्री ऑल्सो रिटन एज 8 इंटू 3 अपान 20 रूट थ्री. रूट थ्री आफ्टर डिवाइडेड इज गेट रूट थ्री, सो 8 रूट थ्री मीटर. मीन्स हाइट ऑफ ट्री इज 8 रूट थ्री मीटर. ऑन द बेसिस ऑफ दिस यू कैन ट्राई टू अदर पार्ट ऑफ दिस. थैंक यू, हैव ए नाइस डे.